हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यांची छट्टी शरीफला धर्मगुरु हजरत डॉक्टर शाह जाफीर हमीद यांनी सर्वधर्म समभावचा दिला नारा. कोंढवा खुर्द येथील फैजाने मदिना येथे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यांची छट्टी शरीफला धर्मगुरु हजरत डॉक्टर शाह जाफीर हमीद, हजरत बियाबानी, हजरत युसुफ अली शाह, आवेद अली शाह, हाजी फिरोज, हाजी गफूर पठाण, आसिफ पटेल, सिकंदर सय्यद, कलीम शेख, अबू भाई, नाजीम सय्यद यांच्यासमवेत नागपूर, मुंबई, ठाणे, कुर्ला, औरंगाबाद, अकोला, कळंब, उस्मानाबाद आदी भागातून मुस्लिम समाजातील धर्मगुरू यावेळी उपस्थित होते. धर्मगुरू हजरत डॉक्टर शाह जाफीर हमीद यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे. अजमेरला लाखो भाविकांची गर्दी असते, त्यामध्ये हिंदू धर्मातील व मुस्लिम धर्मातील सर्वच लोक मोठ्या प्रमाणावर येतात. आपण हा संदेश सर्वांपर्यंत पोहोचवला पाहिजे असे आवाहन सुद्धा त्यांनी यावेळी केले. प्रेस 9 न्यूजसाठी सुमेर परदेशी सोबत राकेश वाघमारे, पुणे. और जो उन्होंने तबलीग का काम करे हैं ख्वाजा अजमेर में, सबको एक साथ लेकर चले हैं. धर्म भेद भाव छोड़कर, हर जात पात को छोड़कर आज देखेंगे आप ख्वाजा अजमेर की दरगाह में जाकर देखिए, सबको अपने से गले से लगाया है ख्वाजा अजमेर ने. उनके पास भेदभाव कुछ भी नहीं, यानी ये है हिंदू भाई है, ये सिख भाई है, ये मुसलमान भाई है, ये क्रिश्चियन भाई है, सबको अपने गले से लगाया, सबको मोहब्बत का पैगाम दिया ख्वाजा अजमेर ने. और मोहब्बत से ही सारी दुनिया पर फतह की जा सकती है. भाईचारे से मानुष की हाथ खड़ा धर्म, ये मोहब्बत ही है जिससे सारी दुनिया पर राज चलता है. जब वो ख्वाजा अजमेर के ज़माने में ख्वाजा अजमेर का राज चलता था, क्योंकि उनके ज़बान में वो बात थी, वो मोहब्बत थी, और वो नज़र इनायत थी उनकी के सब पर शफ़क़त की नज़र करते थे. उन्होंने भेदभाव नहीं देखे, बल्कि उन्होंने तो बोलते थे कि हर जितने में जर्रे जर्रे के अंदर हमको प्रभु नज़र आता है, अल्लाह नज़र आता है, यानी कण कण में सर्व अणु परमाणु मध्ये. जो ख्वाजा अजमेर का संदेश है वो ये है कि सर्व अणु परमाणु मध्ये त्याचा समावेश आहे, सर्वत्र परमेश्वर भरलेला आहे, सर्व मध्ये परमेश्वर असतो. ये ख्वाजा अजमेर का सिद्धांत था, और इसी वजह से आज देखेंगे आपके दिलों पर राज करे. लोग तो जिस्मों पर राज कर रहे, वोट खरीद कर राज कर रहे, मगर मेरे ख्वाजा अजमेर आज भी दिलों पर राज कर रहे हैं. लोगों के दिलों में है, लोगों की जान में है, लोगों की रूह में है. इससे बढ़कर राज कहीं नहीं हो सकता. ये कुर्सी का राज तो और है, मगर दिलों का राज भी और बात है. सर्वधर्म संभावना, ये उनका सिद्धांत था, सबको लेके चले. उन्होंने बोलते थे, उनके जो बहुत सारे खलीफा है, खुलफा है, उनके मानने वाले हैं, उन्होंने एक शेर बोले थे, वो याद आ रहा मैं बोल देता हूँ, कि हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे. क्या बात है. हमें एक घर बनाना था, ये हम क्या बना बैठे. कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, और परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती. परिंदों में ये फिरका परस्ती क्यों नहीं होती. कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा. क्या बात है, क्या बात है. यहाँ पर कोंडवा में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया. इस प्रोग्राम में हमारे औरंगाबाद से हमारे हजरतुल्ला हजरत शाह डॉक्टर शाह जाकिर हमीद रज़ियल्लाह अली तशरीफ़ फरमा थे, और उसी के साथ में नागपुर से, मुंबई से, कल्याण से, ठाणे से, अकोला से, ऐसे हमारे सभी जितने हमारे धर्म गुरु थे वो सभी वो तशरीफ़ लाए हुए यहाँ पर थे. क्योंकि जब हमारे हजरत ने मुझे बताया कि ख्वाजा साहब का जो मिशन था वो एकता का मिशन था, ये मिशन को लेके ये सूफिज़म आज के दौर में चल रहा है. क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिधर उधर जातिवाद फैला हुआ है, तो अगर जातिवाद को अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो सिर्फ सूफिज़म ख़त्म कर सकता है. जो ऋषि मुनि थे, जो देव जो धर्मगुरु थे, इनका ये मकसद, इन्होंने कभी किसी धर्म जात के लोगों से नफरत नहीं करे, सभी को ये साथ में लेके चलते थे. इसीलिए आज हम देखते हैं अजमेर शरीफ में आज वहाँ हर धर्म के लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आते हैं. तो उसी मिशन को लेकर हमारा भी सिलसिला है, हम लोग सूफिज़म के माध्यम से वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग हर साल ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं. हमारा कलम शरीफ में हमारे गुरु की वहाँ पर दरगाह है, वहाँ पर भी हर साल बड़े पैमाने पर ऐसा बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे लिए होते हैं. माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि आज जो फिरका परस्त जो कुछ लोग हैं, जो जाति जाति में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो लोगों में दुश्मनी, तो इन सब को चीज़ों को हम लोग ने एक नज़रअंदाज कर
जो इंसानियत का धर्म है वो इंसानियत का धर्म हमने पालना चाहिए, जो हमारे को हमारे संतों ने सिखाया।